अच्छा जी बच्चों, हमारा लास्ट वेदर है मिस्ट्री। ड्यूरिंग दिस वेदर थिक क्लाउड्स राइज फ्रॉम वाटर। इट हैपन्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन इट इज कोल्ड। ये हमारा कौन सा सीजन है? मिस्ट्री। ड्यूरिंग दिस वेदर थिक क्लाउड्स राइज फ्रॉम वाटर। वाटर में से क्या होता है? थिक गहरे बादल जो हैं वो पानी में से उठते हैं। इट हैपन्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये वाला सीजन भी जो है सर्दियों में ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, आगे बच्चों एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आपने घर में करनी है खुद ब खुद। पहली एक्टिविटी क्या है? पेस्ट पिक्चर ऑल वेदर कंडीशंस इन देयर स्क्रैप बुक्स। आपने अपनी स्क्रैप बुक्स में तमाम वेदर की जो कंडीशंस हैं वो पेस्ट करनी है पिक्चर्स। सेकेंड एक्टिविटी, आस्क द स्टूडेंट्स टू स्टैंड एंड टेल विच वेदर कंडीशन दे हैव एक्सपीरियंस्ड। मतलब कौन से वेदर की एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, ये सारा आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। कौन सा वेदर आपको अच्छा लगा, ठीक है, बच्चों से पूछना है। अब आप लोग तो घर में मौजूद हैं, तो जो मौसम आपको सबसे अच्छा लगा उसका एक्सपीरियंस आप लोगों ने ज़रूर लिखकर बताना है। आगे है तमाम वेदर्स के नेम और उनकी कंडीशंस, ये भी आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसी तरीके से ये सारा काम है। एक्टिविटी, टिक द वेदर कंडीशन यू हैव एक्सपीरियंस। कौन से वेदर कंडीशन का आपने एक्सपीरियंस किया है, कितने सारे वेदर लिखे हैं उसको आपने टिक करना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो वर्कशीट के अंदर हर काम आपको सोल्यूशन के साथ विद डिटेल एक्सप्लेन किया गया है, तो आप सब बच्चों ने वर्कशीट को सामने रख कर अपने सब काम का सोल्यूशन करना है। ठीक है बच्चों, हर चीज़ को अच्छे तरीके से याद करना है और उसे अपनी नोट कॉपी पे आप लोगों ने नोट करना है। ओके।